ये हम फतेहपुर गांव में आ चुके हैं, जो कि मेरे एक दोस्त का गांव है। अभी यहाँ की लोकेशन देखिए आप, पहले वो पुराने पुराने घर हैं यहाँ पे, और ये खेतों में धान लगी हुई है जिसको हम गढ़वाली में सटी बोलते हैं। नमस्कार आप सभी का, उत्तराखंड की बात में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो हम देखेंगे कि कैसे कुछ गांव वालों ने नया तरीका ढूंढा है लवाई मंडाई करने का। लवाई मंडाई तो सेम है, बट ये ड्रम की वजह से कैसे उन्होंने मतलब अपना खेत कुछ ही टाइम में फटाफट से वो सारा धान झाड़ देते हैं और बच जाते हैं पाँव में चोट लगने से, जो छिलके से पाँव में खून आ जाता उन सब से। देखते हैं फिर स्टेप बाई स्टेप कैसा होता है ये सब कुछ, कैसे होती है प्रोसेस। और आपको हर खेत में एक मतलब अलग ही स्टेप चल रहे होंगे, कहीं पे फिनिशिंग हो चुका है, कहीं पे धान है, जैसे ये है यहाँ पे अभी धान है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस धान को काटते हैं, ठीक है। फिर काटा हमने, फिर उसके बाद हम इस धान को धूप पे सुखाने के लिए रख देते हैं, उससे ये थोड़ा सूख जाती है धूप से। फिर इसको हम झाड़ सकते हैं आराम से, और झाड़ने के लिए हमने आपको ड्रम बताए, ये देखिए, ये पबजी गेम नहीं है, यहाँ पे ड्रम है। और खेती करने का रिसोर्स है, ये गांव के बीच से आती हुई एक प्यारी सी नहर, और इस नहर का पानी जाता है सीधे उस गदेरे में, ये देखिए। काफ़ी सही एकदम सिस्टम है, मतलब काफ़ी प्यारा सिस्टम है। तो चलो चलते हैं। अभी तो बहुत सारे लोगों ने धान निकाल दिए, जैसे इस खेत से धान निकल चुकी है, और वहाँ पे हाँ जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं वहाँ से धान का। तो देखते हैं हम कैसे काटते हैं। करिए करिए दादी आप काम करिए। और काटने के बाद दूसरे स्टेप में इसको यहाँ पे इकट्ठा करते हैं, और ये यहाँ पे इकट्ठा करने के बाद, इकट्ठा इसलिए करते हैं क्योंकि थोड़ा धूप में वो सूख जाता है, तो फिर आसानी से इसके बीज निकल जाएंगे। और तीसरे स्टेप में सबसे बेस्ट जो गांव वालों ने तरीका निकाला, ड्रम। वैसे मोस्टली हम लोग पहले क्या करते थे, पाँव से करते थे, पर पाँव से करने पर पाँव छिल जाते हैं, क्योंकि जो उसके दाने हैं वो बड़े ही हार्ड से होते हैं। ये देखिए आप, इसका दाना है, ये थोड़ा पाँव में लग जाता है इसका छिलका, इसको छिलते हैं तो इसके अंदर से निकलता है। और ये है पराल, उसके बाद सुखाने के बाद, और फिर इसे हम गाय भैंसी को खिलाते हैं, तो हर चीज़ का यूज़ हो जाता है। अच्छा अच्छा सही है ना। पर इसमें पहले पहले दिन दर्द हो रहा, मेरे हाथों में आया दर्द, बहुत दर्द हो गया, हम नहीं कर रहे हैं। अब इतना बड़ा खेत जो है 2.5 घंटे में हो गया है, 2.5 घंटे में है ना, पैरों से होता 11-12 बज जाता। आप लोगों ने ताऊजी और पुफूजी की बात तो सुनी ली होगी, है ना। मेन पर्पज़ यही है इस वीडियो को बनाने का, कि आप सब अपने गांव में बच सकते हैं अपने पांव छिलने से अपने गांव वालों के, और ड्रम का यूज़ कर सकते हैं। क्या बोलते हैं बढ़िया। और ये जो झाड़ने वाला स्टेप था, ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद पूरा हो ही जाता है, बस इसके बाद घर ले जाना बाकी हो जाता है धान को। और झाड़ने के बाद हम लोग इसे ऐसे दोबारा सुखाने के लिए रख देते हैं, ताकि थोड़ा और ज़्यादा सूख जाए, और फिर इसे हमारे मवेशी खा लेते हैं चारे के रूप में। अभी आप सोच रहे होंगे कि जब ऐसे ड्रम से झाड़ते हैं तो इधर उधर तो गिरते ही होंगे हम लोग के दाने, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऐसे
इनके बिछा लेते हैं यहाँ पे नीचे, जैसे पुरानी साड़ी के टुकड़े हो गए और ये कट्टे हो गए और ये सब कुछ बिछा लेते हैं, ताकि जब हम झाड़ रहे होते हैं ना इनको, तो ये सब बच सके। मतलब जैसे वो देखिए पीछे किनारे ऊपर साड़ी का वो लगा रखा, तो इस सब से बच जाते हैं। बाकी ताई जी अभी इसे भर रही हैं घर के लिए और इसे फिर हम घर ले जाते हैं, तो इससे मतलब हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है। बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि जहाँ हमें पुराने टाइम में 12 बज जाते थे बड़े बड़े खेत को करने में, तो उसको अब हम मतलब 9 बजे निपटा देते हैं और धूप आने से पहले। और फिर हम इसे बांधते हैं, और बांधने के लिए भी हम रस्सी का यूज़ नहीं करते हैं बल्कि उसी धान के तने का यूज़ करते हैं, तो इससे रस्सी की भी कमी पूरी हो जाती है। फिर देख रहे होंगे आप सारा खेत कैसे हमने सब कुछ अरेंज कर रखा है, कैसे सब कुछ मतलब ताकि हर चीज़ बच सके। फिर उसके बाद ताऊजी इसे घर ले जा रहे हैं, अभी ताऊजी इसे घर ले जाएंगे, फिर हम दोबारा इन दानों को धूप पे सुखाएंगे और उसके बाद हम इसको देंगे चक्की पे, ताकि चक्की में इसे कूट सकें और फिर इससे चावल निकलेंगे। वैसे तो ज़्यादातर गाँव में लाल लाल वाले चावल होते हैं, बट हमारे गांव में हमने बासमती चावल लगा रखे हैं, तो अच्छे से बासमती टाइप के हो जाते हैं मतलब। और ये हमारे गांव का रास्ता, बहुत ही प्यारा रास्ता, नहर से पानी बहता हुआ। तो ऐसी है हमारी गांव की लाइफ। और सबसे अच्छी बात, ग्रीन ग्रीन सोयाबीन लगा रखी हैं, ताकि खेत में तो खेती होती है, खेत के किनारे सोयाबीन, इससे जो खेत की ये वाली ज़मीन है दूसरे खेत में जाने वाली, इसमें भी सॉइल इरोजन नहीं होगा, मिट्टी बहेगी नहीं अगर हरी घास रहेगी, और उसमें सोयाबीन लगाया है तो दाल भी हो जाती है। तो देखो ना, हर खेत के किनारे आपको दिखेगा सोयाबीन, और सोयाबीन का ये पेड़, उसमें ये लगी है सोयाबीन, और सोयाबीन के आइडिया से तो पता चल ही जाता है कि हम लोग सिर्फ लाटे ही नहीं होते पहाड़ी, हम स्मार्ट भी होते हैं, हमें पता है कि ज़मीन का यूज़ कैसे करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अगली बार जब भी लवाई मंडाई हो तो हम सारे गाँव वालों को पता हो कि हम कैसे करके अपना टाइम बचा सकें, और वो बचे हुए टाइम में हम आराम से घर में बैठ के चाय पी सकें। और हाँ हाँ, जाते जाते वो लाल वाला डब्बा है ना सब्सक्राइब दिखाओ, उसे दबा के जाएं, और वो थम्स अप वाला वो भी करके जाएं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।